नमस्कार, मी प्रवीण आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनल वरती, जिथे तुम्हाला रोज नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात स्टॉक मार्केट बद्दलच्या. आणि सोबत आपल्या KKL व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला लेवल सुद्धा बघायला मिळतात, जे तुम्ही दुसऱ्या दिवशी लाईव्ह मार्केट मध्ये त्याचा उपयोग करता, सपोर्ट अँड रेजिस्टन्सचा. सो आज हम इस व्हिडिओ मे वो लेवल्स भी देखेंगे, नया कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे और फ्राइडे को मार्केट क्या था वो भी देखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के KKL वीडियो की और देखते हैं कि फ्राइडे को मतलब कल मार्केट कैसा था. सो 25th अक्टूबर यस्टरडे फ्राइडे को मार्केट मतलब निफ्टी 50 ने क्लोजिंग जो दिया वो 24,180 के ऊपर दिया. सेंसेक्स ने 79,402 मतलब काफी दिनों के बाद इसने 80,000 का जो लेवल है वो ब्रेक किया, नीचे बंद हुआ. बट डरने की जरूरत नहीं है, काफी दिन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आते जा रहा है. बट हमें जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन जो इंट्राडे या दो तीन दिन का जो ट्रेड लेते हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना है. इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है. अगर हम देखें कि निफ्टी का जो ओवरऑल एवरीडे का जो वॉलेटिलनेस है वो समवेयर अराउंड 250 पॉइंट से 300 पॉइंट का है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा. ऑप्शंस में जो खास करके ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए, उनको ऑप्शंस के प्रीमियम को और बाकी सारी चीज़ों को देखकर ही अपने ट्रेड को लेना है, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. वन सेकेंड, बहुत बड़ा नुकसान उनका भी हो सकता है कि जो पोजिशन बनाकर रुके रहेंगे अगर वो लॉस में है तो. अगर वो लॉस में है तो शायद हो सकता है कि 200-250 वाला ऑप्शन आपका 10 रुपया हो जाए. तो आपको इस तरह के मार्केट में बहुत लंबे समय तक अपने पोजीशन को पकड़ कर नहीं रखना है, आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है. चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने पॉइंट से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स डाउन था. तो निफ्टी 218 पॉइंट डाउन था कल, बैंक निफ्टी 743 मतलब लगभग 750 पॉइंट डाउन था और सेंसेक्स 662. बहुत बड़ा सेलिंग हमने देखा फ्राइडे को. बट अगर सेक्टर की बात करें तो कुछ ऐसे सेक्टर थे जो पॉजिटिव थे, तो उसमें से हेल्थ केयर और FMCG सेक्टर जो थे वो पॉजिटिव थे. मैं आपको आपके नॉलेज में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मोस्टली जब वर्ल्ड मार्केट या शायद अगर हमारे मार्केट की बात हम करें, जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे होता है तो मोस्टली ये देखा गया है हिस्ट्री में कि FMCG सेक्टर ये बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है या फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव में रहता है. तो यहाँ पे FMCG सेक्टर की बात इसलिए आई क्योंकि आपका नॉलेज हमें स्ट्रांग बनाना है. तो जब भी मार्केट बहुत बड़े डाउन लेवल पे होता है, इवन कोरोना के टाइम पे भी जब अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो बाकी सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा डाउन थे लेकिन FMCG सेक्टर ज़्यादा डाउन नहीं था. वो इस वजह से क्योंकि मार्केट के कंडीशन कोई भी हो, वॉर का सिचुएशन हो या कोई हेल्थ के रिलेटेड का कोई सिचुएशन हो, बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन होगा तो भी लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको खरीदेंगे. FMCG का मतलब क्या है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उसको बोला जाता है FMCG सेक्टर में आती है ये. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम कॉलगेट यूज़ करते हैं, हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, हम साबुन यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को FMCG सेक्टर FMCG प्रोडक्ट्स ऐसे कहा जाता है. और वो प्रोडक्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप को बोला जाता है FMCG सेक्टर. तो ये एक नॉलेज में हमने ऐड किया आपके. सो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि मेजर निगेटिव सेक्टर कल के मार्केट में कौन से देखे गए. तो ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल, बाकी भी सेक्टर डाउन थे लेकिन ये सबसे ज़्यादा डाउन थे. अब हम देखेंगे कि जो हमने गुरुवार को जो KKL वीडियो में फ्राइडे के मार्केट के लिए जो लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस फ्राइडे को क्या देखने के लिए मिला. तो पहला हम देखते हैं निफ्टी का जो फ्राइडे के मार्केट के लिए हमने गुरुवार को जो शेयर किए थे, ये रेजिस्टेंस थे, ये सपोर्ट थे. तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ लगभग पहला जो रेजिस्टेंस है उसी के लेवल के ऊपर, फिर नीचे आया, पहला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, फिर सेकंड सपोर्ट पे उसने थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की बट सस्टेन हो नहीं पाया क्योंकि सेलिंग ज़्यादा था. फिर नीचे आया, थर्ड सपोर्ट पे उसने सस्टेन करने की वापस कोशिश की
थोड़ा सा ऊपर आया, फिर थर्ड सपोर्ट को भी उसने ब्रेक, सेकंड सपोर्ट को भी उसने, एक्चुअली वो थर्ड सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट को भी ब्रेक किया और फिर नीचे आया, फिर वापस क्लोजिंग करते होते होते उसने थर्ड सपोर्ट के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। बैंक निफ्टी का जो था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस सपोर्ट 1 का रेजिस्टेंस लिया उसने, नीचे आया, सपोर्ट ले नहीं पाया, सपोर्ट सेकंड, नीचे आया वापस, सपोर्ट थर्ड उसने ब्रेक किया जो 50,914 का था, और उसी के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब हम देखते हैं कि कल के लिए, मतलब टुमारो, कल बोल सकते नहीं, हम मंडे को बोलेंगे क्योंकि आज है सैटरडे, तो मंडे के मार्केट के लिए कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो हम देखते हैं। तो 28 अक्टूबर है मंडे को, और मंडे को हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉच करने हैं वो कौन से, तो यहाँ पे हम निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहे हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे 24,209 पे है, सेकेंड है 24,342 पे, और थर्ड है 24,457 पे। अब हम सपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो 24,099 पे पहला सपोर्ट है, 23,985 पे सेकेंड सपोर्ट है, और 23,894 पे थर्ड सपोर्ट है। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की जो लेवल है उसको जानेंगे, बट उसके पहले मुझे एक इनविटेशन देना है आपको कि एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट अपना एक नया ऑफिस ओपन करने जा रहा है 29th, मतलब मंगलवार को, तो मैं इस KKN वीडियो के जरिए आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा हमारे उस ऑफिस ओपनिंग के सेरेमनी में, जो होगा मंगलवार को 29th अक्टूबर 2024, और मैं आपको हक से बुला रहा हूँ, आपको सबको आना है फैमिली के साथ, और डिनर के साथ हम उस ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय करेंगे। सो चलते हैं बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है, पहले हम रेजिस्टेंस लेंगे रोज की तरह, 50,873 पे पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड 51,124 पे, और थर्ड 51,297 पे थर्ड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट की बात करें तो 50,414 पे पहला सपोर्ट है, 50,111 पे सेकंड सपोर्ट है, और फिर 49,684 पे थर्ड सपोर्ट है। आज का टॉपिक नया क्या है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं इस KKL वीडियो में, तो आइए जानते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा है वो, तो ओपन इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OI। ठीक है, तो OI क्या होता है, हम इस वीडियो में जितना इजीएस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम समझेंगे। तो OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, उसका फुल फॉर्म है। ओपन इंटरेस्ट इस शब्द में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, वो ये कि ओपन इंटरेस्ट मतलब पोजिशन ओपन है। मान लीजिए मैंने कोई एक फ्यूचर बाय किया इन्फोसिस का, एग्जाम्पल 1,700 रुपये में, और उसको मैंने बेचा नहीं है, तो जब तक मैं नहीं बेचूंगा तब तक ये क्या होगा, इस ओपन इंटरेस्ट वाले एक कैटेगरी में काउंट होगा। मैंने एक लॉट बाय किया, मैंने अभी तक उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो ये ओपन इंटरेस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में कोई और ट्रेडर नहीं है, मैंने ही पहला ट्रेड किया है, तो इन्फोसिस का जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट होगा वो 1 होगा। अब मान लीजिए कोई अजय, विजय, कोई दूसरा ट्रेडर है, उसने क्या किया, इन्फोसिस का एक लॉट शॉर्ट सेल किया है, मतलब पहले सेल किया, तो उसने शॉर्ट सेल किया है लेकिन उसको बाय नहीं किया, मतलब उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ठीक है, आप सबको, मुझे और आपको दोनों को पता है कि मार्केट में जो भी हम पोजिशन लेते हैं हमें उसको स्क्वायर ऑफ मतलब खत्म करना होता है, उसको 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 बाय किया है तो सेल करना ही पड़ता है। उसी तरह से अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं, मतलब पहले सेल करते हैं, तो उसको बाय करना बहुत कंपलसरी। तो अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया और अभी तक तो बाय नहीं किया, मतलब वो पोजीशन क्या है, ओपन है। तो कोई भी ओपन पोजीशन क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट में काउंट होती है। तो जिस किसी ने इन्फोसिस के एक लॉट को शॉर्ट सेल किया है उसका भी पोजिशन ओपन है, तो यहाँ पे OI मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, 2 का होगा, क्योंकि मेरा एक लॉट जो बाइंग का है वो ओपन है, और किसी और का एक लॉट जो शॉर्ट सेल है वो भी ओपन है, उसने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मान लीजिए हम दोनों में से किसी ने स्क्वायर ऑफ किया, मतलब या तो उसने शॉर्ट सेल किया हुआ जो ट्रेडर है उसने बाई किया, या मैंने जो बाई किया हुआ है उसको सेल किया, मतलब जीरो किया, पोजीशन क्लियर की, तो क्या होगा, OI में से वो आंकड़ा कम होगा, माइनस होगा। एग्जाम्पल जो विजय है, उन्होंने शॉर्ट सेल किया, उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद बाई बैक कर लिया, उस पोजीशन को जीरो किया,
तो अभी OI जो पहले दो था क्योंकि दो लोगों ने ओपन पोजिशन रखे थे, अभी होगा एक। उसके बाद अगर मान लो मैंने जो बाई किया हुआ है उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया तो ओपन इंटरेस्ट होगा 0, क्योंकि दोनों का अभी पोजिशन क्लियर है। तो OI मतलब ओपन इंटरेस्ट में पोजिशन पूरी तरह से क्या होती है, ओपन जो होती है उसी को काउंट किया जाता है, जैसे ही वो क्लोज हो जाती है वो 0 हो जाता है। तो मैं आपको NSEIndia.com के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने टोटल ओपन पोजिशन मार्केट में मतलब निफ्टी या इन्फोसिस या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ओपन है। लेट्स सी NSEIndia.com, हम पहले इन्फोसिस के ऊपर जाएंगे। इन इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे इधर, फिर आपको क्या करना है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर सिलेक्ट करना है, स्टॉक फ्यूचर, फिर यहाँ पे प्लस वाला बटन दबाना है, फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा जूम करेंगे हम, ओपन इंटरेस्ट तो कितना है, 1,09,091, मतलब मार्केट में टोटल लॉट 1,09,091, मतलब 1,09,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो इस ओपन कॉन्ट्रैक्ट में शायद कुछ लोगों के बाइंग वाले पोजीशन होंगे, कुछ लोगों के शॉर्ट सेल वाले पोजीशन होंगे। तो बाइंग वाले पोजीशन जो अभी तक सेल नहीं हुए या जो सेलिंग वाले पोजीशन जो अभी तक बाय नहीं हुए, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, ये सारे काउंट किए गए इस 1,09,000। तो जैसे ही कोई स्क्वायर ऑफ करेगा तो इसमें से क्या होगा, आंकड़े कम होते जाएंगे। अब हम हमारे और आपके दोनों के पसंदीदा निफ्टी या बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है। ये फ्यूचर सेगमेंट है, उसी तरह से ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो निफ्टी का भी हम ओपन कर लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर डेरिवेटिव में यहाँ पे हम जाएंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जूम करेंगे इसको, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी फ्यूचर का है वो 4,79,000 टोटल लॉट ओपन है, स्क्वायर अप नहीं किए गए पोजीशंस को यहाँ पे काउंट किया गया, 4,79,000 मतलब 80,000 हम पकड़ लेते हैं। तो इतने पोजीशन ओपन है, तो जैसे ही उसको वो क्लोज होंगे कम होंगे, ये ओपन OI घटेगा, और जैसे ही नए पोजीशन बनेंगे, कोई नया ट्रेडर जुड़ेगा जिसका पोजीशन ओपन है, तो फिर वो OI क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा 5-10 तक का आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि इस OI का उपयोग हम हमारे मार्केट के एनालिसिस के लिए या आगे का मार्केट क्या होगा वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ जो हमने PPT के ऊपर रखा हुआ है। इस चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने के लिए मिल रही है, एक प्राइस और एक ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का जो प्राइस होता है वो हमेशा कम या ज्यादा होता रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए किसी का प्राइस बढ़ रहा है, मान लो इन्फोसिस है उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे OI मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कितना देखा था हमने, याद है आपको इन्फोसिस का, तो 1,09,000 ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन्फोसिस का 1,700 रुपये प्राइस चल रहा है और धीरे धीरे 1,710, 1,720, 1,730 ऐसा करके उसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और 1,09,000 जो ओपन इंटरेस्ट था वो अभी 1,15,000 है, फिर हो गया 1,20,000, फिर हो गया 1,25,000, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है यहाँ से और यहाँ से OI भी बढ़ रहा है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तब क्या होता है, वो मार्केट स्ट्रांग है या वो पर्टिकुलर कंपनी स्ट्रांगली ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे बुलिश है मार्केट इन्फोसिस के लिए, तो यहाँ पे हम खरीदारी इन्फोसिस का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको शायद थोड़ा सा पता चला होगा कि प्राइस भी बढ़ रहा है और OI भी बढ़ रहा है। OI मतलब क्या, टोटल ओपन पोजिशन। तो OI बढ़ता है तो कब बढ़ता है, जब कोई नई पोजिशन क्रिएट होती है, प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब जितने भी नए पोजिशन बन रहे हैं वो बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो जब भी कभी प्राइस और OI दोनों साथ में बढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टॉक या वो पर्टिकुलर इंडेक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बाय में मतलब अप ट्रेंड में रहता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन क्या देखेंगे कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन OI क्या हो रहा है,
घट रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी प्राइस हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है लेकिन ओआई बढ़ नहीं रहा है, 1,09,000 से 1,05,000 आ गया, 1,05,000 से 1,02,000 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, ओआई कम हो रहा है। ओआई कम कब होता है याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ओआई कम तब होता है जब पोजिशन क्लोज की जाती है या स्क्वायर ऑफ की जाती है। मतलब मैंने अगर बाई किया हुआ है और मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो ओआई क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है और ओआई घट रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अपना जो पोजिशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ती है और ओआई घटता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डाउन ट्रेंड आ सकता है। लेकिन आपको इस वाले कंडीशन में किसी भी तरह का ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये यू टर्न वाला मामला है। ठीक है, अब ट्रेंड कंप्लीट हो गया है, अब डाउन ट्रेंड शायद आ सकता है, तो शायद वाले चीजों के ऊपर हम कभी भी ट्रेड नहीं करते। नाउ थर्ड पोजिशन की प्राइस घट रहा है और ओआई भी घट रहा है, ये भी यू टर्न वाला कंडीशन है। कैसे कि मान लो कोई प्राइस घट रहा है और ओआई भी घट रहा है, इसका मतलब जितनी भी पोजिशन है जो शॉर्ट सेल वाले हैं वो क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। मतलब जिन्होंने बेचा हुआ है पहले से बहुत ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बाय कर रहे हैं उनका पोजिशन क्लोज हो रहा है और क्लोज हो रहा है, इस वजह से ओआई क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। और ऑलरेडी वो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो उसका प्राइस तो नीचे गिर ही रहा है। तो दिस इज वाई वो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन सेकेंड वाले कंडीशन की तरह ये भी कंडीशन यू टर्न वाला है। मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन शायद यहाँ से वापस घूम सकता है किसी और पे। तो ये ट्रेंड वाला है और ये दोनों यू टर्न वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस गिर रहा है और ओआई बढ़ रहा है। मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, मतलब 1700 रुपये है और 1690 हो गया ना, 1680 हो गया, प्राइस गिर रहा है और यहाँ पे ओआई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1,09,000 ओआई, 1,15,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, 1,25,000 हो गया। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो प्राइस घट रहा है उस प्राइस गिरने की कंडीशन में लोग नया पोजीशन बना रहे लेकिन वो बाइंग में नहीं बना रहे, वो क्या कर रहे, शॉर्ट सेल कर रहे और वो शॉर्ट सेल क्रिएट कर रहे। इस वजह से नया क्या हो रहा है, एक पोजीशन क्रिएट हो रहा है। तो जब नया पोजीशन क्रिएट होता है तब क्या होता है, ओआई बढ़ता है और पुराना पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ होता है तो ओआई घटता है। तो यहाँ पे प्राइस डाउनफॉल होने के बावजूद नया पोजीशन बन रहा है तो ये होता है शुरुआत डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन ले सकते हैं और पहले वाले कंडीशन में हम अप ट्रेंड का इंडिकेशन कर सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड वाले में हम किसी भी तरह का ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं लेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड ओपन इंटरेस्ट, और ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों तरह के ट्रेडर के लिए। अब ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ओआई कैसे काम आएगा, तो हम इस वीडियो में इसको कवर ना करके हम किसी और वीडियो में ऑप्शंस ट्रेडर को ओआई का इस्तेमाल कैसे करना होता है वो बताएंगे। आज के इस वीडियो में आई थिंक मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की, तो आई होप कि आपको इस ओआई का उपयोग इसके आगे मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें शेयर की है जिसका उपयोग आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए होगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दीपावली सबको इन एडवांस, और दिवाली के मुहूर्त के अवसर पर हम कुछ स्टॉक आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा और आपको उस 29 अक्टूबर मतलब मंगलवार वाले प्रोग्राम में आना है। तो मैं कुछ सीक्रेट स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप आए तो आप आ रहे हो ना, ठीक है। आपके इस प्रॉमिस के साथ हम इस वीडियो के एंड करते हैं और कल के केकेएल वीडियो में हम वापस मिलेंगे, कल के नहीं सॉरी मंडे के केकेएल वीडियो में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।